दिल्ली NCR में गर्मी का प्रकोप जारी है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में लोगों को बुधवार को भी लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक गुरुवार यानी आज दिल्ली में बादल छाए रहने और तेज हवा चलने से तापमान में कमी आएगी, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। सफदरजंग वेधशाला में बुधवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। वहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रिज, मुंगेशपुर, नजफगढ़ और पीतमपुरा मौसम केंद्रों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के स्तर से ऊपर दर्ज किया गया। दिल्ली के 12 मौसम स्टेशन में से 8 ने मंगलवार को लू और भीषण गर्मी की स्थिति दर्ज करते हुए इसे इस मौसम का सबसे गर्म दिन करार दिया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में आज यानी गुरुवार को बूंदाबांदी के साथ ही आंधी चल सकती है और इस दौरान हवा की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। ऐसे में लू की स्थिति में राहत मिल सकती है, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। अगले सप्ताह तक पारा फिर से बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ हल्की बारिश होगी और साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। हवा में नमी का स्तर 19 से 39% दर्ज हुआ है। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में आंशिक बादल दिख सकते हैं। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI खराब श्रेणी में 204 दर्ज हुआ है। नोएडा में 253 जबकि गुरुग्राम में 284 रिकॉर्ड हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।